तो अब जो भी कहीं भी अपराध हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो एक एक चीज के बारे में पूरी जानकारी रखना और अपराध को नियंत्रित करने के लिए क्या काम किया गया उस पुलिस बल के द्वारा या इसके द्वारा। और इसके अलावा आप जानते हैं कि हम लोगों के यहाँ जो कुछ भी जिला में पुलिस का मुख्यालय रहता है या जनरल जो भी है जिला का सब कुछ डीएम का एसपी का सबका एक साथ होता है, तब इसमें भी हमारे कई प्रकार के विंग्स। बिहार में बढ़ते अपराध को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सरदार पटेल में दूसरी बार बैठक की। एक अहम बैठक में तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए पूरे कानून व्यवस्था का हाल जाना। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। आप लोगों को तो पिछली बार ही हमने बता दिया था कि हम आते रहेंगे यहाँ, और जो समीक्षा की बैठक साल में हम करते रहे हैं वो तो हमने किया ही है, दो राउंड किया है, लेकिन उसके अलावे बाकी सब चीज़ों के बारे में मेरे मन में ये बात आई कि इसको हम जरूर देखते रहेंगे कि आखिर पूरे पुलिस विभाग का, इस पूरे गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो पुलिस विभाग है तो उसके अंतर्गत जो कुछ भी अन्य कई प्रकार के उनके काम, एक एक चीज़ को देखना चाहिए। एक बार अगर दो बार अगर कोई प्रेजेंटेशन में कुछ बात को रखते हैं और ख़ास करके हम लोग क्राइम के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में चर्चा करते रहे हैं या जो कुछ भी जो हम लोगों ने लागू किया शराबबंदी को, तो लेकिन उसके अलावे और सारी चीज़ें हैं उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने पिछली बार कहा था कि हम आते रहेंगे, तो इसलिए पिछले सप्ताह आए थे, आज भी हम आ गए और आज आपको हम बता देते हैं कि आज हमने दो चीज़ों को देखा है, एक तो सीआईडी को और दूसरा बीएमपी को। तो सीआईडी की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अनेक प्रकार की जिम्मेवारी इस विभाग के अंतर्गत है, और जो क्राइम का जो फिगर है कि किस थाने में किस प्रकार का क्राइम हुआ उसके पूरे आंकड़े उन्हीं के पास होते हैं, और उन्होंने पिछले दो वर्षों से जो कुछ भी दिखाया है और एक एक चीज़ को कहा कि आप देखिए जांच करिए और किस तरह से इस काम में कोई देरी हो रहा है या किसी के इंक्वायरी में इन्वेस्टिगेशन में, इन सब चीज़ों को देखिए, ये बात हुई। तो आज पूरे तौर पर हमने जानबूझ करके सीआईडी का पूरा उसकी समीक्षा इसलिए की है कि क्या इनको ज़रूरत है और किस काम को किस प्रकार से कर रहे हैं। तो एक एक चीज़ को देख करके उनके और जितने उसमें अन्य लोगों की आवश्यकता है, अधिकारियों की ज़रूरत है, दूसरे अपने पुलिस पर्सन्स की ज़रूरत है, इन सब के लिए आज हमने एक बात कर दी है कि वो प्रपोजल आप लोग ले आइए और इसको जरूर करिए ताकि निश्चित समय पर। और सिर्फ यही नहीं है कि कुछ मामले को दे दिया जाता है सीआईडी को, कई मामले को इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया जाता है, तो सीआईडी का जो इन्वेस्टिगेशन है ऐसा न हो कि वो समय पर नहीं, वो भी बिल्कुल समय पर होना चाहिए। तो इसके इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए आपके यहाँ क्या है, तो एक एक चीज़ को हमने देख लिया और जो कुछ भी हमको उसमें सुझाव देना था हमने दे दिया। अब उसके आधार पर ताकि ये पूरा का पूरा सीआईडी का बल मजबूत रहे और सिर्फ जानकारी नहीं लेना, एक एक चीज़ पर निगरानी रखना और नज़र रखेंगे। अभी भी कई चीज़ों को दिया जाता है, एक तो सीआईडी इंक्वायरी करती है और दूसरी चीज़ है कि सीआईडी इंक्वायरी जो हो रहा है उसको देखती है, लेकिन उस सर्टेन कुछ ही मामले होते हैं। तो अब जो भी कहीं भी अपराध हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो एक एक चीज़ के बारे में पूरी जानकारी रखना और अपराध को नियंत्रित करने के लिए क्या काम किया गया उस पुलिस बल के द्वारा या इसके द्वारा। और इसके अलावा आप जानते हैं कि हम लोगों के यहाँ जो कुछ भी जिला में पुलिस का मुख्यालय रहता है या जनरल जो भी है जिला का सब कुछ डीएम का एसपी का सबका एक साथ होता है, तब इसमें भी हमारे कई प्रकार के विंग्स हैं, तो उनके लिए कोई जगह नहीं, तो वो भी जगह हमने आज तय करवा दिया है कि भाई उसका उसके साथ ही आप इसका बिल्डिंग बगल में ही बनाएंगे। तो ये पूरी बात हुई है, मतलब एक एक उसके डिटेल्स में कि कहाँ क्या ज़रूरत है ताकि ये इफ़ेक्टिवली
प्रभावी ढंग से जो इनकी जिम्मेवारी है इसको काम करें। तो देखा आपने कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिहार में कानून का राज रहेगा, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, किसी भी निर्दोष को फंसाया नहीं जाए, इसकी भी जांच, इसको भी देखना पुलिस का काम है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस को तमाम जरूरत की चीज़ों को मुहैया कराने की भी बातें कही। कुल मिलाकर नीतीश कुमार को अगर देखें तो साफ तौर पे अपराध को रोकने के लिए नीतीश कुमार ने एक बड़ी पहल की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पूरे बिहार में अपराध का ग्राफ कितनी तेजी से गिरता है। सहयोगी आकाश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फाउंडेशन, पटना।